जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और हमने जो लाल प्लाई का फर्मा बनाया था, ये वाला, ये एक फर्मा बनाया था हमें, अभी इसके चार पीस और बनाने हैं। इसके लिए और प्लाई मंगवाई है। ये देखिए, दो पीस प्लाई के ये रखे हैं और एक आधी प्लाई ये बची हुई रखी है। तो इन प्लाई में ये चार फर्मे आराम से बन जाएंगे, कुछ ना कुछ प्लाई बचेगी। और ये देने तो आज सुबह के टाइम थे, लेकिन अनिल को कहीं पर ज़रूरी काम पर भेजना पड़ गया, तो इस कारण से अब ये दोपहर तक तैयार होंगे। दोपहर तक तैयार करके फिर जो ठेकेदार हैं वो कल को ले जाएंगे इसको, और कल को अपने पिलरों का काम शुरू कर लेंगे फिर वो। और गर्मी के कारण हमने कर दिया अपना हेयर स्टाइल चेंज, तो कम बाल रखेंगे ताकि सिर को ठंडक मिलती रहे। आते वक्त बच्चों ने दिया अपने कुछ खिलौने, ये वाले, ये कैक्टस होता ना जो डांस करता रहता है, वो वाला। इसके अंदर से जो ये वाली डंडी है येलो कलर की, ये तोड़ दी थी बच्चों ने, तो अभी इसको ठीक करूँगा। और ये इसका बाहर का कवर है, इसको भी इसके ऊपर दोबारा डाल देंगे, क्योंकि घर पे तो वो काम करने नहीं देते ऐसे, तो इसलिए अभी इसको यहाँ से दुकान से ठीक करके लेके चला जाऊँगा। पहले इसको खोल लेता हूँ और खोल के चेक करता हूँ कहाँ कहाँ से तीन, दो जगह से टूटा हुआ है, तीन टुकड़े हैं इसके, तीन टुकड़े हो चुके हैं, तो तीन जगह से टूटा हुआ है। अभी चेक करता हूँ इसको पहले, तो अभी इसके पहले ये दो नट खोलने पड़ेंगे, उसके बाद जो इसकी येल्लो डंडी अंदर वाली वो दिखाई देगी, फिर उसके ऊपर हम है ना बोंड, मेरे पास बोंड होती है फाइव किक जैसी होती है, उसके साथ इसको चिपका दूंगा। पहले ये खोल लेता हूँ एक बार, ये खुल चुका है, ये देखिए, ये इस तरह से ये डंडी टूटी हुई है इसकी, और ये घूमता हुआ डांस करता है ना, इसी से करता है ये। पहले ये वाला पीस और ये देखिए, दो पीस ने ऐसे इस तरह से टूट तोड़े हुए इसके, तो पहले एक एक करके इनको चिपका लेते हैं। पहले ये वाला लगेगा, हाँ ये वाला, इसको अच्छी तरह से चिपका लेता हूँ, फिर चिपकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इसको बोंड के साथ तो चिपका दिया मैंने, लेकिन बोंड के साथ इतना कामयाब नहीं रहेगा ये, तो इसके अंदर है ना जो स्टेपलर वाली पिन होती है ना, वो और गर्म करके लगा देता हूँ एक बार। तो इस तरह से है ना, इसके अंदर एक स्टेपलर की पिन लगा दी है, एक लगाई है, अभी दो तीन और लगाऊंगा, फिर उससे ना बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिर नहीं टूटेगा ये। तो इसके अंदर तो तीन पिन लगा दिए मैंने, एक यहाँ पे और दो दूसरी तरफ, ये लगी हुई ये इस तरह से। तो अभी इसका तो पक्का काम हो चुका है। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इस वाले में थोड़ा दिक्कत आएगी जोड़ने में, इसको और देखता हूँ अभी। तो इसके चारों तरफ भी ऐसे ही पिन लगा के, इसके अंदर तो बल्कि चार लगाई है मैंने, और इसको बिल्कुल पक्का कर दिया। अब इसको एक बार चला के देखूँगा, क्योंकि चार्जिंग लगाना पड़ेगा, पता नहीं सेल डलते इसमें, जो मेरे पास है ना उसमें दूसरे वाला है, उसमें तो चार्जिंग है, इसका ध्यान नहीं किया है ये। इसके अंदर है तो बैटरी, लेकिन ये फूल चुकी है बिल्कुल, देखिए कैसे फूल के कैसे हो चुकी है। अब पता नहीं ये चार्जिंग होती भी है नहीं होती, तो एक बार इसको चार्जिंग लगा के देखता हूँ। चार्जिंग लगाने के 5 से 10 मिनट बाद फिर इसको चेक करेंगे, ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ये वैसे हमने इसके ऊपर मेहनत की है। तो दोस्तों ये तो चल चुका है, अब ये बोल के दिखाएगा हेलो, देखो ये चल चुका है, बिल्कुल ठीक है, चार्जिंग हो रही है इसकी। तो अब इसको पैक कर देते, अभी इसके कपड़े पहना देते हैं जो ये रखे, और फिर चेक करेंगे इसको दोबारा से, चार्जिंग लगा देंगे और फिर बच्चे चलाएंगे अब। तो अब ये प्रॉपर तरीके से डांस करने लगा, ये देखिए, और जो भी बोलेंगे ना अब बोल के दिखाएगा दोबारा दोबारा, बस इसकी आंखें नहीं है अब। लो जी, ये तो काना कैक्टस बन गए, एक आंख मिली है इसकी, एक आंख लगा दी।